अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। रोज़े की वजह से हालत बिल्कुल ऐसी हुई हुई है, पर आई एम चिल। अच्छा, एनीवेज, आज जो मैं आप लोगों से रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है बीफ चिली ड्राई। इसको बनाने का तरीका इंतहाई सिंपल है और जो इसका टेस्ट आएगा वो ट्रस्ट मी 100% रेस्टोरेंट टाइप वाला आएगा। बीफ चिली ड्राई की रेसिपी है, ये चिकन और बीफ दोनों के लिए सेम है। वो लड़कियाँ जो नई नई कुकिंग की तरफ आ रही है उनके लिए सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले हैं ताकि आप लोगों को करने में मुश्किल ना हो, बनाने में मुश्किल ना हो, और आप लोग जब बनाओ और घर वालों को जब खिलाओ तो वो हैरान रह जाए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं किचन की तरफ और बनाते हैं बीफ चिली। इसके लिए हमें चाहिए सब्ज़ मिर्च, शिमला मिर्च, बेल पेपर, कॉर्नफ्लावर, बटर, ऑयल, शुगर, वैसे तो मैंने सारे नाम लिखे हुए हैं, नमक, और उसके बाद काली मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, सोया सॉस। आप लोग अगर चिकन चिली ड्राई बना रहे हो तो आप चिकन के अंदर भी एज इट एज चीज़ें ही डालेंगे, सिर्फ प्रिपरेशन का टाइम थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है क्योंकि बीफ है, वरना चिकन तो जल्दी बन जाता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने सब्जियां काट ली हैं, ये मैंने बीफ जो है वो काट के रख ली है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, सब्ज़ मिर्च जो है वो आपने बारीक बारीक काटनी है, शिमला मिर्च भी बारीक काटनी है और रेड वाली मिर्च भी बारीक काटनी है। ये शिमला मिर्च या रेड कलर वाली जो चिली डालने का मकसद ये है कि इस डिश का नाम ही बीफ चिली ड्राई है, ताकि जो चिली है वो स्पाइस है वो ज़्यादा आए, और वो दोनों इन मिर्चों से ही आता है। ठीक है, तो अब मैं बीफ की मैरिनेशन है वो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें ऑयल डालूंगी अकॉर्डिंग टू मेरा बीफ, तो मैं अंदाजन डाल रही हूँ। आप लोग अगर एक किलो बीफ लेते हैं तो उसमें एक जो छोटा कप होता है वो डाल लें। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक इस बारी मैं थोड़ा कम डालूंगी मैरिनेशन के लिए, क्योंकि बाद में भी नमक डालना है। ठीक है, उसके बाद मैं डालूंगी चीनी चम्मच। अब मैं डाल रही हूँ काली मिर्च, ये भी मैं थोड़ी डालूंगी क्योंकि बाद में भी दोबारा डालनी है, तो बहुत थोड़ी। अब मैं डालूंगी इसके अंदर कॉर्नफ्लावर, था तो इतना मैंने डाला कि मुझे ये पूरे में काम आ जाएगा। बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लावर नहीं डालना, नहीं तो कड़वा हो जाता है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, ये हो गया। अब रह जाता है सोया सॉस, सोया सॉस भी आप डाल लें दो चमचे। थोड़ा सा ऑयस्टर सॉस, ऑयस्टर सॉस डालने का मतलब ये है कि बिल्कुल जो रेस्टोरेंट वाले खुशबू होती है ना बीफ चिली ड्राई के अंदर, वो आती है इससे, ऐसा लगता है बिल्कुल चाइनीज़ है। ठीक है, इट्स ऑप्शनल। ये सब कुछ मैंने डाल लिया, अब इस सारे को मिक्स करना है। ठीक है, ये सब मिक्स हो गया, अब इसको आपने 3 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है ताकि सारे जो इन्ग्रीडियंट्स हैं इसके अंदर जज्ब हो जाए। और वो लड़कियाँ जो नया नया कुकिंग करना सीख रही हैं उनको तेल से डर लगता है, तो उनके लिए ये है कि आप ये ओवन वाला जो होता है ग्लव, इसको चढ़ा के तो आप चीज़ें चेंज करें, ये भी हैक है। ये इंस्पेक्शन टीम आई है चेक करने के लिए कि मम्मा कैसे बना रही हैं, सही बन रहा है। जब भी बीफ डालें तो गरम तेल में डालने के लिए आपने आंच हल्की रखनी है, तेज़ नहीं रखनी, नहीं तो हाथ जल सकता है। इसके अंदर मैं डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, उसके बाद मैंने जितनी ये सब्जियां काटी हुई थी ये डाली हैं। अब इन सबको मैंने मिक्स किया है, मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी जो मैंने बीफ फ्राई किया है। अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ नमक थोड़ा सा, अगर मुझे लग रहा है कि यार कम है थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें। ठीक है, और इसके अंदर डालेगी पेपर हल्की सी, फिर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ गार्लिक पाउडर, थोड़ी सी सोया सॉस, इतनी। ये देखें जी, बीफ चिली बिल्कुल रेडी है वेजिटेबल राइस के साथ, आपकी मर्ज़ी, आप गार्लिक राइस के साथ बना लें या स्पाइसी राइस के साथ, ये रेडी है।